हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं क्लास टेंथ के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट सेशन लेके आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है टेंथ क्लास के अंदर, नाम है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर न्यूट्रिशन, और वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम, जैसे आप सभी को पता है, बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव यूट्यूब पर है। इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं, दूर बैठे हैं, है ना, अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये भी एक तरीके का हेल्पफुल वर्क, अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ व्हाट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पहले इनटेक किया जाता है, फिर उसको स्मॉलर में ब्रेक डाउन किया जाता है, वो एक फर्दर प्रोसेस हो गया। तो न्यूट्रिएंट कौन कौन से लेते हैं? न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट वगैरह जो हो गया, फॉर व्हाट पर्पज न्यूट्रिएंट क्यों लेते हैं? ग्रोथ ऑफ बॉडी, रिपेयर ऑफ बॉडी, है ना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, इनके लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हो गए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके कितने हो गए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो हो गए। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रॉपिक। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म prepare their food ourselves, वो खुद बनाते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक। एंड प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक जैसे हम बता सकते हैं, सेल्फ और फूड, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो है कौन? वो प्लांट्स है। हम इससे अवेयर है कि वो प्लांट्स है। और प्लांट्स के अंदर भी दो कैटेगरी के अंदर हम ले रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या आता है बच्चों की? फोटोट्रॉप का मीनिंग है कि जब सनलाइट की हेल्प से कोई फूड बनाया जा रहा है, इट मींस फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट आर फोटोट्रॉप बिकॉज दे प्रिपेयर दैट फूड बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, कीमोट्रॉप में सनलाइट का यूज नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, देयर ऑन केमिकल रिएक्शन हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ द एनर्जी और प्रिपरेशन ऑफ द फूड, देन इट कॉल्ड कीमोट्रॉप। ओके, वैसे फूड नहीं बनता केमिकल रिएक्शन से, उनके अंदर जनरली डायरेक्टली क्या बनता है? एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी से उनकी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। ओके, देन दीज आर द टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप। नाउ द टर्म हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मींस जब फूड प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है, फूड ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अदर, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड फ्रॉम अदर, देन दैट टाइप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक। जो हम जनरली पढ़ते हैं कि हम जैसे काऊ गॉट की बात करें, तो वो ये अपने ग्रेजिंग एनिमल है, तो वो हर्बी वो, क्योंकि दे फीड ऑन व्हाट? दे फीड ऑन हर्ब्स, दे फीड ऑन हर्ब्स, तो हर्ब्स पे फीड करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जो मीट खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस, जैसे लॉइन हुआ, वल्चर वगैरह हुआ। ओमनीवोरस, जो दोनों, यानी कि हर्बीवोरस भी है, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन है हम, क्योंकि ह्यूमन में दोनों कैटेगरीज मिलती है। और डेट्रीवोरस का मतलब है जो डेड एंड डिकेइंग, और डेड एंड डिकेइंग मटीरियल जो है उनको फीड करते हैं, डेट्रीवोरस और डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, उनको कहेंगे जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म फार्मर्स फ्रेंड इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो डेड मटीरियल को फीड करके न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ व्हाट? सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब एक एक करके ले रहे हैं, जैसे होलोजोइक और सैप्रोबिक। ओके फ्रेंड्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है? वेरी सिंपल, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? ओके, अमीबा पहले अपना फॉल्स फिट बनाता है, सुडोपोडिया बनाता है। ओके, देन उस फूड को इंजेस्ट करता है, अंदर की तरफ लेता है। इंजेस्ट के बाद में उसको एक वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ले जाके डाइजेस्ट करता है। ओके, डाइजेस्ट के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है उसका, वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उस फूड से एनर्जी बनाई जाती है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, नाइस। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर
स्टेप दिया जाता है, डेट कॉल इगे स्टेप, डेट कॉल इगे. इट मीन्स ऑल फाइव स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के फाइव स्टेप्स कौन कौन से हुए, अगेन रिपीट करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन. ये पांचों स्टेप अमीबा परफॉर्म करता है, हम भी परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन भी परफॉर्म करते हैं, पांचों स्टेप हमारे अंदर भी होता है और अमीबा में भी होता है. और इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं. इसलिए होलोजोइक के एग्जांपल कौन हुआ, अमीबा. दूसरा एग्जांपल बताइए, ह्यूमन. वेरी गुड. और सैप्रोबिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटीरियल. ओके, कौन होते हैं, फंजाई. फंजाई डेड और डिकेइंग मटीरियल से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. अच्छा आप बताइए, क्या पांचों स्टेप प्रेजेंट होते हैं सैप्रोबिक न्यूट्रिशन में, कैसे फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन को ऑप्टेन करते हैं. ओके, फंजाई कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर गिरता है और वहां कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉलर में कन्वर्ट करता है और फंजाई डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है. क्या डाइजेशन फंजाई की बॉडी में हुआ, नो. एक्सटर्नल डाइजेशन इज देयर. Listen carefully. In case of the saprobic nutrition, external digestion is there, and then after external digestion, direct start with absorption. There is no ingestion. Saprobic nutrition में ingestion होता ही नहीं. Saprobic nutrition के अंदर ingestion बिल्कुल नहीं होता है. Direct external digestion होगा और digestion भी external होगा, बाद में absorption उससे start हो जाएगा. तो this is the main difference between the saprobic and the holozoic nutrition. The example of the saprobic nutrition is bacteria and fungi. Very good. Next लेते हैं parasites. Parasites they derive their nutrition from other living plant. Organism derive their food from host. Host से food लेते हैं, जैसे plasmodium. Malaria के अंदर जो malarial agent जो है plasmodium, जो protozoans है जिसके कारण malaria होती है, तो malaria क्या हुआ, parasite हुआ. वो nutrition ले कहाँ से रहा है, हमारी blood cell से nutrition ले रहा है. Roundworm ले लीजिए, roundworm भी इसके exam में, जितने भी worms है वो example ले सकते हैं इसके. तो ये parasite होते हैं. कस्कुटा ले लीजिए प्लांट के अंदर, प्लांट में जो कस्कुटा होता है वो दूसरे प्लांट के अंदर अपने हाउस्टेरिया से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. तो कस्कुटा इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, वन इज एंडो एंड सेकेंड इज एक्टो पैरासाइट. ओके, एंडो मीन्स सिंपली जो पैरासाइट किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं इनसाइड, और एक्टो मीन्स केवल बाहर सरफेस पर रहेंगे, सरफेस पे रहते हुए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे. तो अंदर में कौन है, मलेरिया कोजिंग प्लाज्मोडियम, टैपवर्म, राउंडवर्म, लिवर फ्लू, ये सारे एंडोपैरासाइट है. व्हेन द पैरासाइट लीव इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट. ओके, व्हेन द पैरासाइट लीव आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल लीच. लीच क्या होती है, पानी में रहती है और जनरली पेड़ अपने पाओ पे चिपक जाती है, बाहर से सक करती है किसको, ब्लड को. तो ये एक्टोपैरासाइट हो गया. मॉस्किटो, टिक, माइट्स, प्लांट के अंदर कस्कोटा को भी अपन एक्टोपैरासाइट की कैटेगरी में ले. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ पैरासाइट, ए प्लाज्मोडियम, बी राउंड वर्म, सी लिवर लिवर फ्लूक एंड डी लीच. आंसर इज लीच. वाई, क्योंकि लीच एक्टोपैरासाइट है. बाकी सारे जो तीन एग्जाम्पल दिए गए थे ऑप्शन के अंदर वो कौन थे, वो एंडोपैरासाइट. तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्वेश्चंस तो नीट में भी आते हैं. बिल्कुल फ्रेंड्स, जो नाइन्थ से बायो स्टार्ट होता है वहां से ही आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप टेंथ के बोर्ड में भी अच्छे नंबर ला सकते हो और आगे जाके मेडिकल अगर आपका टारगेट बनता है तो उसके अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर शुरुआत से ही आपकी बायोलॉजी अच्छी रहे. तो इसीलिए कहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी बायो स्ट्रांग हो जाए. चलो नेक्स्ट लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट. द फीड ऑन वॉट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. वेरी गुड. तो इंसेक्ट के ऊपर क्यों फीड करते हैं, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हरे कलर के नहीं होते, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, होते. दे आर ग्रीन, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके, पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ग्रीन होते हैं, तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं. रीजन इज सिंपल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल. ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल का क्या मतलब है सर, ऑलिगोट्रॉपिक सॉइल का मतलब है ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो. तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं. यस डियर, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं. और इंसेक्ट की जो
آؤٹ موسٹ لیئر ہے وہاں سے وہ پروٹین کو ڈگریڈ کر کے نائٹروجن کی کمی کو پورا کرتے ہیں. تو اسی لیے اس کے اگزامپل جیسے کون ہو جائیں گے, ڈسچیڈیا ہے, نیفینتھس ہے, جسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کے اندر پیچر پلانٹ ہے, یہ پیچر جیسے صحیح بن رہا ہے, انسیکٹ ان کے اندر جاتا ہے اور اندر لیڈ جانے کے بعد میں لیڈ کور اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور انسیکٹ اندر ہی رہتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈگریڈ ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی انسیکٹ نائٹروجن کی کمی جو ہے پلانٹ کے اندر اس کو پورا کرتا ہے. سو اسی لیے انسیکٹیورس پلانٹ کو ہم آٹوٹراپ بھی کہیں گے اور ہیٹروٹراپ بھی کہیں گے کیونکہ وہ خود کا کھانا تو بنا ہی رہے ہیں فوٹو سنتھسس سے, لیکن وہ ہیٹروٹراپ بھی ہے کیونکہ وہ دوسرے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اوکے, تو ان کو پروڈیوسر بھی کہا جا سکتا ہے اور کنزیومر کی کیٹیگری میں لیا جائے تو سیکنڈ کنزیومر کی کیٹیگری میں بھی ان کو رکھا جائے گا. تو دے آر بلونگنگ ٹو ڈفرینٹ ٹرافک لیول. اوکے, تو یہ دھیان رکھیں, ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹینٹ کوشچن آتا ہے. چلو نیکسٹ کوشچن, نیکسٹ کنٹینٹ لیتے ہیں. نیکسٹ از سمبایوٹک. سمبایوٹک ہم کلیئر ہیں, چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھے ہیں کہ ڈیفینیٹلی دو آرگینیزم جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں رہ رہے ہیں فار شیئرنگ دیئر شیلٹرس اینڈ فوڈ. ایگزامپل از لائکین, اینڈ لائکین از دا سمبایوٹیکل ایسوسیشن آف واٹ, اٹ از دا سمبایوٹیکل ایسوسیشن آف دا ایلگی اینڈ فنجائی. اوکے, لیے تو یہ ایلگی اور فنجائی کا سمبایوٹیکل ایسوسیشن ہے. تو اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں, الگی فوٹو سنتھسس سے کھانا بنا رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے, فنجائی کو. ویری گڈ, اور فنجائی بدلے میں کیا دے رہا ہے, بدلے میں فنجائی جو ہے وہ سپرفیشل نہیں رہتی, فنجائی نیچے کی طرف رہتی ہے, نیوٹریشن ایبزارب کرتی ہے, منرل آئنس ایبزارب کرتی ہے اور کس کو دے رہا ہے, واٹر ایبزارب کر کے, منرل آئنس ایبزارب کر کے کس کو دے رہی ہے, الگی میں. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر یہ دونوں ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ان کے دونوں کے جو سمبایوٹیکل ایسوسیشن ہے اس کو کہتے کیا ہے, اس کو لائکین کہتے ہیں. So what is lichen? Lichen is the symbiotic association of the algae and fungi. Kis liye hota hai ye? For sharing their shelter and food. Okay. نیکسٹ فوٹو سنتھسس لیتے ہیں. اگین اپن آٹوٹروفک نیوٹریشن پہ آتے ہیں اور پلانٹ کا آٹوٹروفک نیوٹریشن مینلی کون ہوتا ہے, فوٹو سنتھسس. ویری گڈ, سو فوٹو سنتھسس کیا ہے, کیمیکل ریئیکشن ہے, پلانٹ پریپیئر دا فوڈ بائی دا ہیلپ آف یوزنگ واٹ, کاربن ڈائی آکسائڈ, بائی واٹر, بائی سن لائٹ اینڈ بائی کلوروفیل. ان کے یوز سے کیا بنا رہا ہے, C6H12O6 گلوکوز, اسے کیا کہتے ہیں, اسے فوٹو سنتھسس کہتے ہیں. اوکے, تو یہ فوٹو سنتھسس دو اسٹیپ میں ہوتی ہے, لائٹ ریئیکشن اینڈ ڈارک ریئیکشن. ویری اوکے, تو سنیے بیٹا کہ اس کے اندر لائٹ ریئیکشن کیا ہے. لائٹ ریئیکشن کے اندر اے ٹی پی, این اے ڈی پی ایچ ٹو اور او ٹو پروڈیوز ہوتے ہیں. اٹ مینس سمپل, سن لائٹ اینرجی کنورٹیڈ انٹو کیمیکل اینرجی, سن لائٹ اینرجی کنورٹیڈ انٹو کیمیکل اینرجی. دس از کولڈ واٹ, دس از کولڈ لائٹ ریئیکشن. سو ڈیئر, آج ہم اتنا ہی لیں گے, نیکسٹ کنٹینٹ نیکسٹ آگے اور سیکنڈ سیشن لیا جائے گا. سو گڈ ڈے ٹو آل, گڈ ڈے.